नमस्कार दोस्तों, जी सी टी विजय जानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गजानंद स्वामी कक्षा 5 बोर्ड क्लास के गणित के इस टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, जिसमें संख्या जो कि पहला टॉपिक है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस संख्या अध्याय में हम सीखेंगे संख्याओं को अंकों में लिखना, संख्याओं को शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखना तीन नंबर टॉपिक इसका, संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखना, विस्तारित रूप चार नंबर इसका टॉपिक है, संख्याओं का स्थानीय मान। सबसे पहले हम सीखेंगे संख्याओं को अंकों में और शब्दों में लिखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो एक नंबर उदाहरण, मान लो मैंने संख्या लिखी है, एक नंबर ये लिखी, दो नंबर संख्या मैंने लिखी है ये, तीन नंबर संख्या मैंने लिखी है ये, और चार नंबर ये संख्या। ये मैंने 5 संख्या लिखी है। अब इसके इसके द्वारा आप सीख सकेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना। तो मान लो ये संख्या है, तो इसको पहचानने के लिए हमें एक चार्ट, मैं चार्ट बना देता हूँ जिसके माध्यम से हम सीख सकेंगे। तो जब एक संख्या हो किसी संख्या में एक अंक हो तो उसे हम बोलते हैं इकाई। जब किसी संख्या में दो अंक हो तो उसे बोलेंगे हम राशि। जब किसी संख्या में तीन अंक हो तो उसे बोलेंगे सैकड़ा या सौ, सैकड़ा या सौ। जब किसी संख्या में चार अंक हो तो उसे बोलेंगे हजार, और जब किसी संख्या में पांच अंक हो तो उसे बोलेंगे दस हजार। और छह अंक होने पे वो बता दी संख्या लाख, और लास्ट सात अंक, सात अंक हो तो दस लाख। इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये संख्या देखते हैं, तो इसमें देखो तीन अंक है, इकाई दाही सैकड़ा। जब भी हम किसी संख्या को पढ़ते हैं तो हमेशा दाई ओर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकाई का अंक ये है, दाई का अंक ये है, और तीसरा अंक ये सैकड़ा यानी सौ। तो अब सबको बताया कि दो अंक सौ तक गिनती सबको आती है, तो इसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं 85। तो ये तो आप संख्या दोनों एक साथ बोल सकते हैं। अब इसमें जैसे ये तीन है तो इकाई, इसे बोलेंगे इकाई, इसे दाही, और जैसे ये तीसरी संख्या आ गई सैकड़ा। अब सैकड़ा यानी सौ, अब ये कितने सौ है, ये है अपन तीन लिखे हुए हैं तो इसको बोलेंगे 300। तो ये होगी 300, 300 तो ये होगी आगे बच गई 85, तो इसे बोलेंगे 385। इस तरह से तीन अंकों की संख्या होगी।
अब इसके बाद ये चार अंकों की संख्या आ गई, तो इकाई दाही सैकड़ा हजार, ये चार अंकों की संख्या हजार है। अब इसमें कितने हजार है वो आपको देखना है, तो देखो इकाई और दाही तो हम साथ बोलेंगे, इकाई दाई तो ये साथ बोली जाएगी, अब सैकड़ा में सौ, ये हो गई 835 यहाँ तक। तो अब इसके बाद में एक और संख्या जो गई वो है हजार, अब हजार पे कितनी संख्या आई है, पाँच, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो हजार पे पाँच है तो इसको बोलेंगे 5000, फिर सौ है कितने सौ 800, 5800 आगे है 35, तो इसको बोलेंगे 5835। तो हम लिख सकते हैं इसको 5000, हजार पे पांच है, फिर 800 और फिर है 35। इसी प्रकार अगली संख्या चार अंकों की है, तो इसको पढ़ेंगे इकाई और दाई तो साथ में, योगी 53 और ये है 800, इकाई दाई सैकड़ा, तो 853 दो यहां तक हो गए। फिर आगे तीन है हजार के, इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो 3853, तो इसको हम पढ़ेंगे 3853। ठीक है, अब आपके सामने पांच संख्या आ गई, तो पांच संख्या में क्या आता है, ये दो संख्या तो इकाई और दाई तो साथ में बोल रहे हैं, फिर सैकड़ा आ गया 300, तो 355, अब 355 तक तो यहाँ तक आ रहा है, इकाई दाई सैकड़ा है 100, 355, फिर आ गई हजार, तो इकाई दाई सैकड़ा और हजार, 5355 यहाँ तक है। लेकिन जब पांच संख्या आ जाए तो देखो मैंने बताया था पांच संख्या थी 10000 हो जाती है, 10000 से बड़ी संख्या वाली यानी पांच अंकों की हो जाती है, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000, तो ये दो संख्या एक साथ बोली जाएगी, या इसमें अपन यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं, तो इन दोनों संख्या को एक साथ बोलनी पड़ेगी। तो ये कितने हैं दोनों 55, तो इकाई दाई सैकड़ा यानी 355 तो यहाँ तक है, फिर हजार, फिर 10000, 10000 होते दोनों संख्या को एक साथ बोलेंगे तो कितनी हो गई 55000, तो यहाँ 55355, तो इनको एक साथ लिखनी पड़ेगी 55000 आगे 355, तो 300, इस तरह से पांच अंकों की संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद में ये भी पांच अंकों की है, तो वही तरीका इकाई दाई सैकड़ा हजार 10000, तो दो अंकों को साथ में बोलना है, यहाँ कोमा लगा देते हैं, फिर 35 योगी 35828, तो इसको हम लिखेंगे 35828। अब आपने इसके बाद छह अंक वाली आती है लाख की और सात अंक की आती है 10 लाख की, तो मैं एक संख्या लिख के बता सकता हूं, मान लो मैंने यहां पे लिखी है छह अंक की संख्या लिखी है, अंकों की है। अब इसमें देखो इकाई दाही सैकड़ा हजार 10000 लाख, जब हम इधर से संख्या इधर से लेंगे तो इसमें इकाई दाही सैकड़ा हजार 10000 लाख, तो ये कितने लाख है 5 लाख, आगे 10000 वाली दो संख्या एक साथ बोलेंगे 538383 या 83, 5 लाख, छह अंकों की संख्या लाख पे हो जाती है 538,000। ठीक है, इसके बाद में एक दे देते हैं 10 लाख वाली, 10 लाख में आती है 7 अंक, तो इसमें जैसे मान लो मैंने लिखा है एक संख्या लिखी है
इसमें सात अंक है, तो अब इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, वही तरीका है, दस हजार वाला तरीका है, जिसमें इसमें भी दो अंकों को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो गए तैतीस, और आगे इसमें दो अंक है तो इसमें इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो दस लाख होते ही दो अंकों को एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार हजार नहीं है, अब की बार लाख है, तो तैतीस लाख तैयासी हजार दो सौ पिचासी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसको। तैतीस लाख तैयासी हजार नीचे लिख देता हूं दो सौ पिचासी, अब देखो जैसे ये तीन संख्या है तो इसको बोलेंगे तीन सौ पिचासी, तो इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़ा में हमेशा ये तीसरे अंक सैकड़ा होता है या सौ बोला जाता है, तो यहाँ पे तीन है तो तीन सौ बोलते हैं, ये अगर इसकी जगह हम पांच लिखते हैं यहाँ पे तो इसको पांच सौ बोला जाता है, पांच सौ पिचासी, तो मैंने पहले तीन लिखे थे तो तीन लिख रहा हूँ वापस, तो तीन अंक वाले आपको आसानी से पता चल जाएगा, यहाँ पांच भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में चार अंक होते हैं तो इकाई ढाई सैकड़ा, यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ है कि आठ सौ पैंतीस, दो इकाई ढाई वाले सात में बोले जाते हैं तो आठ सौ पैंतीस, तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार, जब चौथा अंक आ जाता है तो आपको हजार वाला अंक चाहिए, तो ये कितने हजार है, ये पांच हजार है, इसकी जगह में पांच की जगह आठ लिख देता तो ये हो जाते आठ हजार आठ सौ पैंतीस, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे हैं पांच, तो पांच हजार आठ सौ पैंतीस, ठीक है। चार अंक वाली आपको समझ में आ गई, वापस देखो ये नीचे वाली संख्या, इसमें भी दो अंक इकाई ढाई सात में बोले जा रहे हैं, और तीसरा अंक है हजार नहीं सॉरी सौ, तो आठ सौ तिरपन तो है ये, लेकिन जब चौथा अंक आ जाता है वो होता है हजार वाला, तो ये कितने हजार है, तीन हजार आठ सौ पैंतीस, तो इसको हम यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नौ, तो ये नौ हजार आठ सौ तिरपन हो जाते हैं, लेकिन पहली संख्या तो लिखी हुई है अपने तीन हजार, तो इसको आप चार संख्या वाले यहाँ पे हजार तक आप आसानी से समझ पाएंगे। अब इसके बाद में जब भी किसी संख्या में पांच अंक हो जाते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो लास्ट वाली दो संख्या तो बोले जाती है एक साथ, और ये है सैकड़ा यानी सौ, तीन सौ पचपन यहाँ तक, और चार अंक होते तो अपन बोल देते पांच हजार तीन सौ पचपन, लेकिन इसमें पांच अंक आ गए तो पांच अंक आने का मतलब हो गया दस हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार, दस हजार होते इन दोनों अंकों को एक साथ बोला जाता है तो ये हो गए पचपन हजार तीन सौ पचपन, ठीक है पचपन हजार तीन सौ पचपन। अब इसके बाद में है पैंतीस हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार, तो दो लास्ट वाले हैं तो आपको बोलने एक साथ, और इसमें इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार है, दस हजार होते इन दोनों अंकों को साथ में बोला जाता है तो ये कितने हजार है, पैंतीस हजार, आगे आठ सौ आगे अट्ठाईस, पैंतीस हजार आठ सौ अट्ठाईस, तो इस प्रकार आप पांच अंकों वाली संख्या समझ सके। अब इसके बाद में छह का आ जाएगा मानो किसी संख्या में तो आप कैसे पहचाने, तो इसको पहले इधर से हमेशा इसका संख्या को दाई ओर से स्टार्ट करनी है, तो इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार लाख, अब लाख है, लाख में क्या होता है लास्ट वाली जो संख्या होती है उसको हम लाख पढ़ेंगे, अब यहाँ पे मैंने पांच की जगह ये अभी संख्या मैंने लिखी है पांच लाख, और वो दो अंक दस हजार वाले दो संख्या एक साथ बोलेंगे पांच लाख अड़तीस हजार तीन सौ तैयासी, ठीक है, लेकिन इसी जगह मैं लिख दूं नौ, तो अब हो गई नौ लाख अड़तीस हजार तीन सौ तैयासी, ठीक है, तो यहां पे लेते पांच, इसी प्रकार ये देखो ये संख्या भी सेम ही है, इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, तो दस लाख में आपको क्या करना है दो संख्या एक साथ पढ़नी है, तो दो संख्या पढ़ेंगे तो ये हो गई तैतीस लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, दस लाख है तो वही दस हजार वाला रूल, इसमें भी दो संख्या पढ़ते थे इसमें भी दस लाख में भी दो संख्या पढ़ेंगे तो ये तैतीस है, तो कितने लाख है तैतीस लाख, अब इन दोनों संख्या पास आप पहले दो पढ़ते थे तो तैतीस लाख ये हो गई एट्टी थ्री, तैयासी हजार दो सौ पिचासी, तैतीस लाख
285। इस प्रकार आप समझना। अभी हमने सीखा संख्याओं को शब्दों में लिखना व अंकों में लिखना। इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं नीचे, तो इन उदाहरणों को आप घर पे प्रैक्टिस करें और इसके बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।